बैठने के तरीका आपके लिए कई परिवर्तन ला सकता है, वहीं गलत तरीके से बैठने पर आपको शारीरिक परेशानियां और नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते होंगे। क्रॉस लेग करके बैठने से बॉडी की शेप तो खराब हो ही जाता है, साथ ही शरीर को कई बीमारियां घेर लेती हैं। ये बात आप शायद सुनकर हैरान हो जाए, लेकिन ये सच है। आप भी अगर घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि क्रॉस बैठने के तरीके से आपको सेहत संबंधी क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बात करूं दिल के नुकसान के लिए, पैरों को क्रॉस करके बैठने से नसें दब जाती हैं, जिससे खून का दौरान सही तरीके से नहीं चल पाता। बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं चलेगा तब दिल को भी खून की सप्लाई पहुंचाने में दिक्कत होगी। नसों में खराबी, टांगों को क्रॉस करके बैठने से पेरोनोल नसें दब जाती हैं और डर रहता है कि जिससे टांगों का मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। कई बार तो परेशानी बैठने से और चलने में भी दिक्कत होती है। गर्दन और पीठ दर्द, इस तरह बैठने से पेल्विक बोन में से एक का रोटेशन प्रभावित होता है। ये बोन रीढ़ की हड्डी के आधार है और इस पर दबाव पड़ने पर गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में दबाव पड़ने लगता है, वहीं नर्वस सिस्टम परेशान करता है। घंटों तक लगातार टांगों को क्रॉस करके बैठने पर पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है। तब आपको समझना होगा कि आप क्रॉस लेग करके ना बैठें, अपने आप को स्वस्थ रखें। क्यूरेन हेल्डेक्स की रिपोर्ट।